जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम आपसे आपको मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव का दिन होता है, यानी हनुमान जी के गुरु का दिन है। काफी लोग नहीं जानते हैं, हनुमान जी के जो गुरु हैं वो सूर्य देव हैं और शनि देव के पिता सूर्य देव हैं। यही वजह होती है कि जब उन लोगों को हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त होती है जिन लोगों के ऊपर सूर्य देव की कृपा नहीं होती है। और सूर्य देव का दिन मकर संक्रांति के दिन होता है, और उस दिन अगर आप कुछ नियमों को सही ढंग से नहीं करेंगे तो उनको हमेशा या पूरे साल तक दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। कर्ज की समस्या बढ़ जाती है, शत्रु परेशान करते हैं, गृह कलेश बढ़ जाता है। तो ऐसे दिन बहुत खास होते हैं, बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, और आपको ध्यान भी रखना चाहिए कि ऐसे दिन में आपको कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं पूरे सालों साल आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे और सूर्य देव की कृपा बनी रहे, तो आपको कुछ खास उपाय अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर सौभाग्य हमेशा बना रहेगा, कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आपसे आप ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ताकि शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि शिव जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर हो जाए समझो उसे राजयोग मिल गया। दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी आए उसकी जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले तो आप ये जान लें, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का त्यौहार कहलाता है। और ये भी जानकारों का मानना है कि जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर जाते हैं और मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनि देव ही कहलाते हैं, इसलिए यह दिन जो दिन होता है पिता और पुत्र के मिलन का दिन होता है, और वहां ही सौभाग्य का दिन होता है। क्यों? शनि देव और सूर्य देव पिता और पुत्र हैं, क्योंकि इनका मिलन सौभाग्य को प्रकट करता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति का दिन कुछ खास बात को अगर ध्यान रख दिया तो आपके ऊपर हमेशा सौभाग्य बना रहेगा। अगर इस दिन आप गलती करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह तो खराब होता है, इससे आपको शनि देव भी खराब हो जाता है, और सूर्य देव और शनि देव आपसे रुष्ट हैं तो हनुमान जी की भी कृपा आप पर नहीं होगी। यही कारण है कि इस दिन बेहद सावधानी रखना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि 15 जनवरी के दिन मकर संक्रांति का त्यौहार है, उस दिन रविवार का दिन है, और रविवार का दिन सूर्य देव का ही दिन होता है, और 15 जनवरी को मकर संक्रांति सुबह 7:15 से लेकर 5:46 तक मकर संक्रांति का पूर्णकाल रहेगा, और मकर संक्रांति का महापूर्णकाल सुबह 7:14 से लेकर सुबह 8:48 तक रहने वाला है। यह जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बतलाया है, इस समय में बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है, बिल्कुल सावधान रहना है। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी रात का बचा हुआ खाना न खाए, क्योंकि यह खाना अगर आप खाते हैं तो इससे आपको रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। तामसी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। आपको पता होगा कि इस दिन बिल्कुल सात्विक भोजन का सेवन करना होता है, नहीं तो शनि ग्रह और सूर्योदय दोनों खराब हो जाते हैं। इस दिन हो सके तो गरीबों की मदद करें, जो भूखे हैं उनको आप खाना खिलाएं, जितना हो सके उतना पुण्य का काम करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के दिन इस दिन पूजा पाठ अवश्य करें, क्योंकि इस दिन पिता और पुत्र के मिलन का समय होता है। इसके साथ ही उस दिन सूर्य को
जल अवश्य अर्पित करें। सूर्य देव को जल देने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, नौकरी रोजगार बढ़ता है और सूर्य देव को जल देने के साथ ही एक मंत्र है, उसको अगर आप बोलते हैं तो बहुत लाभकारी मंत्र होगा। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप करें, हो सके तो 51 माला का जाप करें। इस मंत्र का 51 माला का जाप करने के बाद आपको वृक्ष में, बरगद के वृक्ष में जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, चीनी चढ़ाए, इससे आपकी जो भी समस्या हो वह दूर हो जाएगी। और मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन तर्पण करने से पितृ दोष दूर हो जाता है और पितरों के आत्मा को शांति भी मिल जाती है। इस दिन सूर्यदेव और भगवान विष्णु के पूजा का भी विधान है। खासकर आपको इस बात को ध्यान देना है कि सूर्य को जल देने के समय तांबे के लोटे में जल, गुड़, गुलाब की पत्तियां इस प्रकार डालकर अर्घ दें और अपनी मनोकामना बोले, इससे शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। गुड़, तिल और मूंग की खिचड़ी का सेवन करना है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप भी बहुत लाभकारी माना गया है। और जो भी बातें इस वीडियो में बताई गई है उसको बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। सनातन के बहुमूल्य बातों को आपने हमारे माध्यम से सुना, इसके लिए दिल से आपका आभारी हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।